दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो स्वास्थ्य विभाग में जो भी हमारी बहन संविदा पर कार्य कर रहे हैं, बिहार सरकार नियमितीकरण के नाम पे कैसे ठगी और धोखाधड़ी कर रही है। इस वीडियो में सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बताने वाले हैं, इसलिए यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो बिहार सरकार में स्वास्थ्य विभाग में संविदा पर कार्य कर रहे हैं। इसलिए बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों, वीडियो बने रहिए। चलिए बिना समय के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं जो कैसे संविदा इन बहनों को सरकार ठगी और धोखाधड़ी कर रही है, कैसे शोषण कर रही है और आज के पेपर में संविदा इन बहनों के लिए क्या दिया गया है, कौन आवाज़ उठा रहा है, सारी जानकारी वीडियो में बताने वाले हैं। क्योंकि कल हम आपको लेटर भी दिखा दिए जो पूर्णिया में फेस अटेंडेंस नहीं बना पाए तो उन लोग पर कार्रवाई हो चुकी है और सामने भी जन स्वास्थ्य कर्मचारी की तरफ से जो लेटर रिलीज किया गया वो भी लेटर हम आपको दिखा दिए। तो सबसे पहले चलिए पेपर में आज क्या दिया गया है संविदा इन बहनों के लिए वो हम आपको दिखा रहे हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, स्क्रीन पर एक पेपर कट आप देख रहे हैं, इस पेपर कट में क्या लिखा हुआ है चलिए सारी जानकारी इस वीडियो में बताने वाले हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, देख लीजिए, संविदा कर्मियों को नियमितीकरण के नाम पर ठगी तथा धोखाधड़ी कर रही है बिहार सरकार सुनीता शर्मा। चलिए आगे देख लीजिए, समस्तीपुर का न्यूज है, मीडिया दर्शन ब्यूरो समस्तीपुर। बिहार के करीब सभी सरकारी विभाग में संविदा कर्मी कार्यरत है। संविदा कर्मियों के सहारे बिहार सरकार की कार्यालय संचालित हो रही है। बिहार के तमाम संविदा कर्मियों को नियमितीकरण का लॉलीपॉप दिखाकर बिहार सरकार ठगने एवं धोखा देने का काम कर रही है। संविदा कर्मियों के साथ हो रही ठगी एवं धोखाधड़ी को देखते हुए लसपा मंत्री सुनीता शर्मा ने कहा है कि बिहार में करीब 8 लाख संविदा कर्मी कार्यरत है जिनके जीवन के साथ बिहार सरकार खिलवाड़ कर रही है। एक तरफ जहां संविदा कर्मी सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों में कदम से कदम मिलाकर अपना महत्वपूर्ण योगदान देते आ रहे हैं, वहीं सरकार की संविदा कर्मी की कोई फिक्र ही नहीं है। संविदा कर्मियों को अपने मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋण का सहारा लेना पड़ रहा, आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। श्रीमती शर्मा ने यह भी कहा है कि वर्ष 2015 में सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव ने भी सभी विभागों के प्रधान सचिवों से नियोजित कर्मियों से संबंधित तमाम जानकारियां मांगी थी, जिसमें लगभग विभाग के द्वारा डाटा उपलब्ध भी करवा दिया गया था। कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन भी कर दिया गया, यहां तक कि समिति के द्वारा सरकार को रिपोर्ट भी सौंप दिया गया। इसके बावजूद भी यह निकम्मी सरकार संविदा कर्मियों को नियमित नहीं कर पाई। खैर, कोई बात नहीं, अब तो बिहार विधानसभा का चुनाव भी नज़दीक आ गई है। तमाम संविदा कर्मियों से कहना चाहता हूं कि सरकार को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। सरकार बदलिए, बिहार बदलेगा। और इससे पहले कल भी हम आपको वीडियो बनाए थे जो स्वास्थ्य कर्मचारी के तरफ से भी लेटर रिलीज हुआ था और उन लोग जो है जो हमारी एनएम बन संविदा पर काम कर रहे हैं कल से धरना प्रदर्शन पे जा रहे हैं, ये तो हम आपको बता दिए थे, स्वास्थ्य कर्मचारी बता रहे हैं। तो दोस्तों, ये लेटर तो हम कल ही बता दिए, बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के द्वारा लेटर रिलीज किया गया था जो 6 तारीख से सभी एनएम बहन धरना पर जा रही है। क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए, फेस अटेंडेंस लागू कर दिया गया है 4 जुलाई से ही। और जो एक लेटर यहाँ से हम ये भी बता दिए हैं आपको, जो भी फेस अटेंडेंस नहीं बना पाएंगे तो उन पर कार्रवाई भी हो गई है। पूर्णिया में एक लेटर रिलीज हुआ है, हम आपको दिखाए थे कल, जो पूर्णिया का लेटर वो भी हम आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए। सरकार जो है परमानेंट करेंगे संविदा कर्मी को, वो नहीं हो पाएगा। मगर देख लीजिए, एक जो है देख लीजिए, फेस अटेंडेंस नहीं बना पाए, एक दिन 4 तारीख से लागू हुआ और नहीं बना पाए, उसके लिए देखिए कार्रवाई के लिए लेटर रिलीज हो गया, इतना फास्ट कार्रवाई होती है। और 2 साल से BTSC एनएम 10709 पोस्ट की वैकेंसी अटकी हुई है, उस पर सरकार को ध्यान नहीं है। ये है शोषण, कितना बड़ा शोषण हो रही है सो आप देख लीजिए। तो चलिए आगे बताते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों, देख लिए पेपर में क्या दिया गया है, बिहार के 4400 विभाग में अगर बात करते तो लगभग 8 लाख कर्मचारी है जो संविदा पर कार्य कर रहे हैं। हर चीज जब गठन हो गया, सब कुछ गठन हो गया, तो सरकार इन लोगों को समान वेतन क्यों नहीं दे रहे, नियमितीकरण क्यों नहीं कर रहे, शोषण क्यों कर रहे? और सबसे ज्यादा शोषण होता है स्वास्थ्य विभाग में, सबसे ज्यादा शोषण हो रहा है। कल से देखिए फेस अटेंडेंस जो है अनिवार्य कर दिया गया, और फेस अटेंडेंस जो 4 जुलाई के डेट में नहीं बना है उस पर जो है कार्रवाई हो गई है, और उसके लिए भी
लेटर रिलीज हो गई और कल से सभी संविधान निर्माण धरना पे जा रहे, कोई काम नहीं करें, जो कि उसके लिए आपको जो है स्वास्थ्य जन कर्मचारी की तरफ से भी लेटर भी निकल चुका है, देखे भी है और नाइट में हम आपको उस पर वीडियो बना के भी हम आपको दिए। ये स्थिति है, अगर ये 8 लाख जो है ना, 8 लाख कर्मचारी जो संविदा पर कार्य कर रहे हैं बिहार सरकार के 4400 विभाग में, अगर छोड़ दें तो बिहार सरकार रोड पर आ जाएंगे। तो बिहार सरकार को सोचना चाहिए था, ये कर्मचारी के बारे में सोचना चाहिए था, सोचेंगे क्या और जो है ना बाहर का रास्ता दिखा रहे, ये स्थिति बनी हुई है, समझे। तो अभी भी सभी एनएम भर को हम यही कहेंगे, अभी समय है पढ़ने पर, पढ़ाई पे फोकस कीजिए, पढ़ने का भी समय है। अगर नहीं पढ़ पाइए, एक बार परमानेंट जॉब हो जाएगा तो कोई ऐसे धमकी आपको नहीं देगा कि हम हटा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, किसी का मनमानी नहीं चले, जो आपका ड्यूटी है ड्यूटी जाइए और आइए। तो इसीलिए कह रहे हैं पढ़ना स्टार्ट कर दिए, नहीं पढ़िएगा तो बाबू दिक्कत ही दिक्कत है, ये दिक्कत आपको सब दिन झेलना पड़ेगा संविदा पर, और हमेशा डर बना रहेगा कि कब आपको जो है ना निकाल देगा जॉब से। इसीलिए सभी स्टूडेंट, सभी एनएम बहन 32,127 एनएम बहन को हम आपको कह रहे हैं जो आप लोग कोर्स परचेज कर लीजिए, तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, कलम का ताकत जो है ना तलवार से ज़्यादा धार कलम की ताकत में है, ठीक है। क्योंकि एक बार अगर सरकारी जो है ना जॉब लग गई ना तो फिर बल्ले बल्ले, इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़िएगा तो फिर दिक्कत ही दिक्कत। जो कितना भी शोषण हो रहा है आप खुद देखिए, खुद देखिए आप लोग के साथ कितना शोषण हो रहा है, यहीं पर अगर परमानेंट है उसका शोषण नहीं हो रहा, देखिए जो परमानेंट है उसका शोषण नहीं हो रहा, इसलिए पढ़ाई पर फोकस कीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, नहीं पढ़िएगा फिर दिक्कत ही दिक्कत। इस वीडियो के माध्यम से आपको यही समझाने वाले थे, जो कि आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो फिर हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। अगर संविदा पे आप लोग जॉब कर रहे हैं तो सोचिए, आप लोग देखते होंगे कितना आप लोग के साथ जो है शोषण हो रहा है, इसीलिए सभी लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। 399 में कोर्स मिल रही है, फ़ोनपे गूगल पे पेटीएम लगा दिए, ठीक है, वही मेरा नंबर है, स्कैनर भी लगा दिए है, आप लोग जो है 399 का फ़ोनपे गूगल पे पेटीएम से कटवाइए और स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा मेरे व्हाट्सएप पर, वही मेरा व्हाट्सएप नंबर, आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। एक बार सरकारी जॉब हो जाएगी ना, एक बार सरकारी मोड लग जाएगा तो फिर बल्ले बल्ले, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में इस वीडियो में बता दिए, आप लोग समझ गए होंगे, और नाइट में 10 PM में मिलते हैं, फिर डिटेल्स में बात करने वाले। ओके, थैंक यू।